तो हेलो गाइस, मैं हूँ शिशो। आप देख रहे हैं फिशेज रेड टू जेड। आज मैं और एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए। वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ठीक से बिना स्किप से वीडियो को देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो फिश को ब्रीडिंग के लिए ऊपर है टॉपिक। आप जो लोग देख रहे हैं, मैं जिस फिश के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ये मेरा फीमेल वीडियो फिश है। ठीक है दोस्तों, फीमेल वीडियो फिश देख सकते हैं, इसके पेट के अंदर अंडा है। ठीक है दोस्तों, जिस फिश पर मैं फोकस कर रहा हूँ देख सकते हैं आप लोग, इस फिश के पेट के अंदर अंडा है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे अच्छा बात जो आता है अंडा है, अब कैसे समझे, जल्दी से वो समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। अंडा है तभी आप समझ सकते जब आपका फिश का उम्र 4 या 5 मंथ होगा, तब उसका ब्रीडिंग मतलब वो एडल्ट होगा। 4 या 5 मंथ का होने पर आपका फिश एडल्ट होगा। आप खाना देने से पहले देखेंगे उसका पेट फूला हुआ है, तभी आप समझ जाना कि उसके पेट के अंदर अंडा है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने बता दिया कैसे अंडा है आप समझे। उससे पहले बता देता हूँ, ब्रीडिंग के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी जो चीज़ें मेल एंड फीमेल कौन सा है वो समझना, वरना आप ब्रीड नहीं कर सकते। वो कैसे समझेंगे दोस्तों, मैंने डिटेल में पूरा वीडियो फोटो के माध्यम से बनाया है। वो पूरा वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फर्स्ट कमेंट में वीडियो पिन कर दूंगा। जरूर से इस वीडियो के अंत में उस वीडियो को देख लेना दोस्तों। चलिए वीडियो को पूरा डिटेल में मैं समझा देता हूँ, पूरा सब कुछ दिखा के। ठीक है दोस्तों, ये जो मेरा फिश है एक कैसे ब्रीड होगा देख सकते हैं। मैंने एक जो गमला होता है वो ले लिया है। आप इस फिश को बाल्टी के अंदर भी या किसी और जगह पर, मतलब एक चीज़ आप देख लीजिए मेरे हाथ के हिसाब से कम इसके अंदर अब 15 लीटर पानी है। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा कि ऐसे टब के अंदर आप ब्रीड करें फिश को। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ दोस्तों, इससे ज़्यादा पर करेंगे तो अंडा बिखर जाएगा। ठीक है दोस्तों, ब्रीड नहीं होगा ठीक से। इसको जो मैंने 3 दिन से ऐसे रखा है, 3 दिन पुराना पानी है मेरा ऐसे ही, मतलब आप नल का पानी लीजिए जो हमारा म्यूनसिपलिटी का पानी आता है, उसके अंदर आपको दोनों दवाइयाँ मिलाना पड़ेगा। देख सकते हैं मेरे हाथ में एंटी क्लोरिन बोलते हैं इस दवाई को दोस्तों। ठीक है, मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, किसी भी स्टोर में, फिशेस के स्टोर में मिल जाएगा। इसको आपको 15 लीटर पानी में 10 बूंद डालना है। और एक हमारा प्रोडक्ट आता है दोस्तों, वो ये हमारा नेथलिन ब्लू बोलते हैं उसे। ठीक है दोस्तों, वो जो दोस्तों नेथलिन ब्लू है उसे भी मैं दिखाऊंगा। उससे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि फिश ब्रीड कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, ब्रीड ऐसे ही होता है कि दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए, मैं नेथलिन ब्लू दे रहा हूँ, ये है वो दवाई। आपका 100 रुपीज़ के अंदर दोनों दवाइयों का आ जाएगा। इस दवाई का बहुत इस्तेमाल है, इन दोनों दवाई का। एंटीक्रोइन क्यों इस्तेमाल करते हैं वो पहले बता देता हूँ। एंटीक्रोइन आप नल का पानी इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर क्लोरीन होता है दोस्तों। ठीक है, क्लोरीन फिश के लिए एकदम हार्मफुल है, मतलब फिश मर भी सकता है क्लोरीन के लिए, इसलिए क्लोरीन दे रहा हूँ। और जो ए दवाई है जिसे नेथलिन ब्लू बोलते हैं, मेट ओ ब्लू बोलते हैं, ये दवाई मैंने 2 बूंद दे दिया 15 लीटर पानी में। ठीक है, ये दवाई क्या करता है, जो गलत बैक्टीरिया होता है उनको पानी से मार देता है। ये दोनों दवाई आपके फिश को सेव कर रहा है। इसके बाद मैं फीमेल को लेके धीरे धीरे पानी सूट करूँगा, पानी सूट करके इसके अंदर दूंगा। आपको भी ऐसे ही करना है, धीरे धीरे पानी सूट कीजिए, ऑक्सीजन पाइप से धीरे धीरे पानी दीजिए, 1 चम्मच से धीरे धीरे पानी दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखकर देख सकते हो, छोटे से बाउल में लीजिए और आपके फिश को एक्वेरियम के थोड़े से पानी के साथ या जिसमें भी आप फिश का फिश रखा है उसके थोड़ा सा पानी के साथ फिश को लीजिए और धीरे धीरे जिस पानी में आप फिश को छोड़ने वाले हैं पानी के साथ मिलाइए धीरे धीरे। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ अंडा फूटता कैसे है। फीमेल का काम हो गया, अंडा दे दिया। अब जो मेल फिश हम एडिट करेंगे, जो मेल फिश हम ज़रूरत पड़ेगी मेल फिश को, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप एक फीमेल को बीट कर रहे हैं तो आपको 2 मेल फिश की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों मैं बताता हूँ, जो फिश तो मेल फीमेल फिश का काम है अंडा देना। ठीक है, मेल फिश जो प्रोसेस होता है, मेल उसके पेट में जाके हिट करता है फीमेल के पेट में, तब एक एक करके अंडा निकलता है पेट के अंदर से। ठीक है, तकरीबन आपका आधा घंटे के अंदर आपका ब्रीड हो जाएगा, जब ब्रीडिंग चालू हो करेंगे फिश जब ब्रीड चालू करेंगे। अब जो मैं बता रहा हूँ अंडा फूटता कैसे है, अंडा तभी आपका फूटेगा जब आपका फीमेल के अंडा देने के बाद जब मेल अपना स्पर्म जो होता है उसका हार्मोन बोलते हैं, उस स्पर्म जब एक के ऊपर आएगा प्रॉपरली, एक के मतलब एक के चारों साइड जब उसका स्पर्म लग जाएगा ठीक से, तभी आपका फिश मतलब आपका अंडा जो है अंडा फूटेगा और उससे छोटा छोटा रेणु बोलते हैं उसे, जो छोटा छोटा बेबीज होता है, छोटा छोटा बेबी निकलेगा दोस्तों। ठीक है, पूरा प्रोसेस आप ठीक से समझ गए हैं।
कोई भी डाउट है कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे दो मेल फिश है, मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो को दे दूँगा। उसी के साथ फर्स्ट जो कमेंट होगा वो मेरा ही वीडियो का लिंक होगा, आप उसमें भी क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। मेल एंड फीमेल कैसे समझते हैं, देख लिया मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे कीजिएगा दोस्तों, मेरे जो बोल रहा हूँ उसी पे गौर कीजिएगा और देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैंने पानी सूट किया, उसके बाद 15 मिनट आपको रखना है पानी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। हो गया दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देता हूँ दोस्तों, आपके पास प्लांट है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए दोस्तों, कोई बात नहीं ठीक है। प्लांट देने से क्या होगा, थोड़ा सा हाइड होता है प्लेस और कुछ नहीं होता, प्लांट हटा देना पड़ेगा आपको बाद में, जब अंडा लेइंग हो गया मतलब अंडा दे देगा उसके बाद प्लांट आपका हटा देना पड़ेगा ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपके पास विंटर का सीज़न है आप ठीक है, विंटर का सीज़न है मतलब सर्दी का मौसम है, तो आपको हीटर एकदम मस्ट है, हीटर लगेगा ज़रूर, हीटर लगेगा। और जो नेतलिन ब्लू वाला वो दो बूंद नहीं 15 लीटर में, वो दवाई आपको 4 बूंद देना पड़ेगा ठीक है दोस्तों। वरना दोस्तों आपका जो फिश का अंडा है उसके ऊपर फंगस लग जाएगा ठीक है, और हीटर को मस्ट है, हीटर एडिट करना चाहिए आपको ठीक है। मतलब जब पूरा गर्मी का सीज़न है तब नहीं देंगे तो भी चलेगा, पर सर्दी का सीज़न है तो ज़रूर ऐड कीजिए दोस्तों। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, इसका अपडेट वीडियो जल्दी।